पिछले कई दिनों से जहरीली धुएं में ढके मुरादाबाद जनपद में अब प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकारी तंत्र सक्रिय हुआ है। लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश मिलने के बाद अब शहर में मौजूद पेड़ों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। दमकल कर्मियों को उत्तर प्रदेश सरकार और दमकल मुख्यालय से मिले आदेशों के बाद शहर में पानी का बड़े स्तर पर छिड़काव कराया गया है। नेशनल एयर इंडेक्स के आंकड़ों के मुताबिक एक सप्ताह पहले मुरादाबाद देश की सबसे प्रदूषित शहर की सूची में पहले नंबर पर था। दिल्ली और NCR इलाके में छाई जहरीली धुएं और स्मॉग ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों में मुरादाबाद में कार्बनिक प्रदूषण की उच्च मात्रा दर्ज की गई थी। इलेक्ट्रॉनिक कचरा जलाने और पीतल फैक्ट्रियों से निकले प्रदूषण के चलते मुरादाबाद शहर में गहरे स्मॉग से अस्पताल में मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ने के बाद जानकारों ने मास्क लगाने की अपील की थी। जहरीले स्मॉग का असर पिछले कुछ दिन में कम हुआ है, लेकिन हालात अभी भी सामान्य नहीं है। मुरादाबाद के बाद नोएडा, गाजियाबाद, बनारस और लखनऊ में धुंध छाई तो सरकारी मशीनरी में भी हड़कंप मच गया। अब शासन के निर्देशों के बाद मुरादाबाद शहर में लगातार दमकल की टीमें पानी का छिड़काव कर रही है। दमकल कर्मियों के मुताबिक अगले कुछ दिन और पानी का छिड़काव किया जाएगा, जिससे पेड़ों की पत्तियों पर जमी धूल हटाई जा सके। मेरा नाम लीडिंग फायरमैन उत्तम कुमार है। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार एवं मुख्यालय फायर सर्विस लखनऊ के निर्देशानुसार जो NCR में स्मॉग और ये कोहरा छाया हुआ है, इससे प्रदूषण बढ़ रहा है, तो इसी क्रम में जनपद मुरादाबाद में इसकी रोकथाम हेतु उत्तर प्रदेश फायर सर्विस मुरादाबाद द्वारा पेड़ों की पत्तियों को धुला जा रहा है और उन पर जो धूल के कण जमे हैं उनको पानी के छिड़काव से हटाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत आज मुरादाबाद फायर सर्विस द्वारा कांठ रोड पर श्रीमान जिलाधिकारी मुरादाबाद महोदय के आदेश आवास से लेकर के आगे PAC तक हम लोगों ने पेड़ों की पत्तियों को पानी की बौछार से धुला है और इधर रामपुर रोड में भी यही अभियान चलाया गया है। कब से कब तक रहेगा ये? अभी आगे जारी रहेगा, अग्रिम आदेश तक जारी रहेगा। रोज ही छिड़काव किया जाएगा, पेड़ों की पत्तियों को धुला जाएगा।